तो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के सभी बड़ी मंडियों में सोयाबीन के भाव 9 सितंबर 2020 को क्या देखने को रही है। मतलब दोस्तों, कल शाम के जितनी भी अपडेट आए हैं सोयाबीन के, मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को चाहिए दोस्तों, तो मेरा वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मतलब दोस्तों वहाँ पर ढेर सारी जानकारी आप लोग को अनाज मंडियों के रिलेटेड मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जितनी भी जानकारी आप लोग भाव की जानकारी चाहिए वो पूरी तरह आप लोग को मेरे वेबसाइट में मिल जाएगी, जाके एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तो आइए किसान भाई, जानेंगे आज महाराष्ट्र मंडियों के क्या भाव रहे हैं सोयाबीन के। तो दोस्तों बता दूं यहीं पे कि 80 से 100 रुपये तक तेज़ी देखने को मिली है सोयाबीन में। ठीक है, तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे माजलगांव मंडी में, जो कि 2800 रुपये से लेकर दोस्तों 3700 का भाव देखने को मिली है प्याज का। आवक दोस्तों यहाँ पे 17 क्विंटल देखने को रही है। अमरावती मंडी की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 3400 रुपये से लेकर 3675 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 1304 क्विंटल देखने को रही है। परदी बैजनाथ मंडी की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे 3300 रुपये से लेकर 3721 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 168 क्विंटल देखने को रही है। उदगीर मंडी की बात करूं दोस्तों, 3630 रुपये से लेकर दोस्तों 3675 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 2000 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे चंद्रपुर मंडी में, जो कि 3725 रुपये से लेकर दोस्तों 3760 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 50 क्विंटल देखने को रही है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। करंजा मंडी की बात करो तो 3500 रुपये से लेकर दोस्तों 3850 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 2000 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में तुलजापुर मंडी में, जो कि 3650 रुपये से लेकर दोस्तों 3675 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 380 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे धूले मंडी में, जो कि 3320 रुपये से लेकर दोस्तों 3360 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 5 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे दोस्तों काटोल मंडी में, जो कि दोस्तों 3150 रुपये से लेकर दोस्तों 3835 का भाव देखने को मिली है। आवक 145 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे कोपरगांव मंडी में, जो कि दोस्तों 3020 रुपये से लेकर दोस्तों 3710 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 90 क्विंटल देखने को रही है। मैकर मंडी की बात करूँ, 3350 रुपये से लेकर दोस्तों यहाँ पे 3800 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 910 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे हिमायत नगर मंडी में, जो कि 3600 रुपये से लेकर दोस्तों यहाँ पे 3800 का भाव देखने को मिला है सोयाबीन में। आवक दोस्तों यहाँ पे 80 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे लातूर मंडी में, जो कि दोस्तों 3575 रुपये से लेकर 3726 का भाव देखने को मिला है। आवक 15500 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे सेनगांव मंडी में, जो कि दोस्तों 3500 रुपये से लेकर 3650 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 200 क्विंटल देखने को रही है। यवतमाल मंडी की बात करूँ तो 3335 रुपये से लेकर दोस्तों 3855 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 595 क्विंटल देखने को रही है। चिखली मंडी की बात करूँ, 3302 रुपये से लेकर दोस्तों 3732 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 1340 क्विंटल देखने को रही है। वासी मंडी की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे 3000 रुपये से लेकर 3790 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 2430 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में मोरू मंडी में, जो कि 2901 रुपये से लेकर दोस्तों 2901 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 12 क्विंटल देखने को रही है। बोकर मंडी की बात करूँ तो 3000 रुपये से लेकर दोस्तों 3350 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 40 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में बात करेंगे दोस्तों हिंगोली खानेगांव नाका मंडी में, जो कि 3650 रुपये से लेकर दोस्तों 3750 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 135 क्विंटल देखने को रही है। वाड़ी मंडी की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे 3575 रुपये से लेकर दोस्तों 3685 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 114 क्विंटल देखने को रही है। ठीक है, गवनाई मंडी की बात करूँ तो 3300 रुपये से लेकर दोस्तों 3300 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 1 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में बात करेंगे केज मंडी में, जो कि 3300 रुपये से लेकर दोस्तों 3551 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 80 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में बात करेंगे और साजनी मंडी में, जो कि 3575 रुपये से लेकर दोस्तों 3575 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 10 क्विंटल देखने को रही है। ठीक है दोस्तों ये थी आज के पूरे महाराष्ट्र के मंडियों में जितनी भी सोयाबीन के भाव थे, मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर आप लोग को चाहिए तो दोस्तों मेरा वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर दोस्तों जाके एक बार विजिट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ अनाज के रिलेटेड जो भी वीडियो नहीं बन पाती है मैं आप लोग को वेबसाइट के द्वारा आप लोग को प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों एक बार वेबसाइट पर जाके आप लोग विजिट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।